Hi friends, now we are going to study the next topic. So the first topic is personification. अब आप लोगों को no doubt poem है, poem में से कई बार sentences आते हैं, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एक sentence के अंदर एक ही figure of speech होगा. एक sentence में एक से ज़्यादा figure of speech लागू हो सकता है. ना सबसे पहले personification. अब वापस से हम ये चीज़ जानते हैं. What is a person? आप लोगों को याद करने के लिए आप सिंपली याद रख सकते हो पर्सन और फिकेशन. सो ईज आर द टू सेपरेट वर्ड्स, यू कैन कंसीडर देम एज अ टू सेपरेट वर्ड्स. तो उससे हमको क्या रहेगा, इजीली याद कर सकते हैं. और उसी तरह से उसका मीनिंग है कि वेन एवर एनी एक्शंस और इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज यूज फॉर द अदर पर्सन. जैसे कि इंसान के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, रोता कौन है, इंसान. हंसता है इंसान. पेड़ पौधे हंस सकते हैं, रो सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए कई बार ये चीज़ बोलते हैं कि पेड़ रो रहा है, फ्लावर्स हंस रहे हैं. व्हेन दे यूज टू श्रिंक हियर एंड देयर, ओके, जब वो लहराते हैं, तो हम लोग उसकी जगह पे उस बात को क्लियर करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज़ उसके अंदर डालते हैं, ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेशंस उसके अंदर डालते हैं. क्लाउड्स आर क्राइंग, वेदर दिख रहा है, नो, दे आर जस्ट फॉलिंग, ओके, दे आर फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन. लेकिन उस चीज़ को पोएटिक फॉर्म में कई बार डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, क्लाउड्स आर क्राइंग. ओके, तो ये सब ह्यूमन एक्शंस हैं. व्हेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन एक्शंस, फीलिंग्स और इमोशंस. अगर ह्यूमन एक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं हमारे, एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग की जब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी, तब उसको हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ वॉज क्रूएल टू हिम, लाइफ वॉज क्रूएल. लाइफ क्या है, देखा है आपने लाइफ, नहीं देखा, तो लाइफ इज अ नॉन लिविंग थिंग. बट इवन दो वी आर सेइंग कि लाइफ इज क्रूएल टू ह्यूमन बींग के लिए लाइफ क्रूएल है, क्रूएल इज अ वर्ड, क्रूएल मतलब कि कपटी, तो वो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग के अंदर ये चीज़ होती है. पेड़ पौधे कभी कपटी होते हैं, कोई दूसरी चीज़ कभी कपटी होती है, क्रूएल होती है, नो, ओके. सो दिस इज अ ह्यूमन एक्शन यूज फॉर लाइफ विच इज अ नॉन लिविंग थिंग. द नेक्स्ट थिंग, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर्स, ओके, अर्थ के पास ज्यादा कुछ नहीं है टू शो मोर फेयर, अपने आप को ज्यादा अच्छा बताने के लिए. तो क्या अर्थ गोरी होती है, वाइट होती है एकदम, इज इट अ वाइट, नो, ग्रीन होती है. लेकिन हम उस ग्रीन को क्या बोलते हैं, सुंदर. और इंसान अगर वाइट होता है तो हम उसको बोलते हैं सुंदर, ओके. तो इसी तरह से है कि सुंदरता, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग, ओके. सुंदरता ही नहीं, यहाँ पर हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, फेयर. फेयर मतलब हम बेसिकली वाइट को कंसिडर करते हैं, सुंदर वी कैन कंसिडर ब्यूटिफुल, ओके. सो व्हेन द फेयर वर्ड इज यूज फॉर द अर्थ, अर्थ इज अ नॉन लिविंग थिंग, ओके, नो डाउट. ओके, सो दैट टाइम वी कैन कंसिडर कि ऐसी कोई चीज के लिए जब ह्यूमन क्वालिटी यूज की जाती है, तब द सेंटेंस बिकम्स पर्सोनिफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इन द सेम वे हियर सेकंड टॉपिक इज अपोस्ट्रॉफी. व्हाट इज अपोस्ट्रॉफी, हियर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स आर डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द पोएट. यहाँ पर हमने क्या किया था, लाइफ के बारे में बात की थी, अर्थ के बारे में बात की थी. लेकिन कई बार ऐसी पोएम्स आती हैं जिसके अंदर पोएट डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चीज के साथ बात करता है, ओके. तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ डेथ, इसका मतलब वो किससे बात कर रहा है, डेथ से. हम डेथ से बात कर सकते हैं, नहीं. हम क्लाउड से बात कर सकते हैं, नहीं. हम और कोई भी चीज, ओके, वेद, नो डाउट, बर्ड्स आर लिविंग थिंग, ठीक है, बर्ड्स आर कंसिडर्ड इन अ लिविंग ऑब्जेक्ट. बट फिर भी हम बर्ड से बात कर सकते हैं, नहीं. लेकिन पोएट जब बर्ड से बात करता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब होती है, दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड एज अपोस्ट्रॉफी, जब हम उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, ओके. ओ दैट, हैव यू नो पिटी, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, तो हम किससे बात कर रहे हैं, डेथ से. डेथ से बात कर सकते हैं, नहीं. इवन दो व्हेन वी आर टॉकिंग टू इट, देन इट इज कंसिडर्ड एज अपोस्ट्रॉफी. नाउ द नेक्स्ट इज, ऑल्दो दे ब्रीथ बी रूड, नो डाउट, हम ब्रीथ करते हैं, बी रूड, तो किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ब्रीथ के लिए. हम लोग ब्रीथ को डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहे हैं, कैन बी स्पेसिफाई दैट डायरेक्टली टू द ब्रीथ. ब्रीथ से बातें कर सकते हो, सांसों से बात कर सकते हो, भाई अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बाद आना, हाँ चल अभी चालू हो जाए,
बोलना पड़ता है, आपको याद दिलाना पड़ता है उसे कुछ नहीं, बट इवन दो यूर द पोएट इज टॉकिंग विद अ ब्रीफ. ओके, सो दैट टाइम वी कैन कंसिडर इज एट एज एपोस्ट्रॉफी. डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. नाउ द नेक्स्ट वन, हाइपरबोली. Here poet exaggerates or makes an overstatement. What is the main point in that? Overstatement. Overstatement क्या होता है? हम लोग कई बार कोई चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ से नहीं समझते, तो उसके अंदर हम कई सारे examples देते हैं, कई बात को specify. अगर हम लोग एक point समझ गए कि मैं खाना खा रहा हूँ, the point is clear. But even though कोई बोल रहा है मैं खाना खा रहा हूँ बैठकर ये चीज़ें खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, एक बार हमने बोल दिया, फिर हम दोबारा उसको बोल रहे हैं मैं ये चीज़ें खा रहा हूँ, तो what does that means? उसी पॉइंट को और ज़्यादा स्पेसिफाई किया हमने, उस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट किया हमने. ओके, सो दैट टाइम इट इज़ कंसिडर्ड एज हाइपरबोली, ओवर स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट से बात समझ में आती है, फिर भी हम उसको वापस से बोलते हैं. एम्फसाइज अ पॉइंट. ओके, नाउ द एग्जांपल इज देयर, सो जस्ट सी व्हाट इज द एग्जांपल. सी, She filled the ocean with her tears. She filled the ocean with her tears. उसने आंसुओं से पूरा समुंदर भर दिया. Is it possible? No. But what does it means? वो बहुत ज़्यादा रो रही है. No doubt she is crying. What is the simple statement for that? She is crying. We can say that. नहीं, लेकिन हमको क्या बताना है? वो बहुत ज़्यादा रोई. तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? उसने रो रो के समुंदर भर दिया. ओके, शी क्राइड अ लॉट दैट शी फील द ओशन. तो दैट थिंग मीन्स दैट ये पूरा स्टेटमेंट हमको क्या बताता है? ओवर स्टेटमेंट. हमने उस पॉइंट को ज़्यादा स्पेसिफाई किया कि नहीं, वो रो नहीं रही, पर उसने इतना रोई है कि मतलब जैसे बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, वट एवर द थिंग इज देयर. द नेक्स्ट थिंग, दिस निफ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड. वट इज द मीनिंग ऑफ निफ? परी, एंजल. ओके, बट वट इज देयर? This nymph to the destruction of mankind. ये angels जो हम बोलते हैं स्वर्ग की परी, ठीक है, जंगलों में रहने वाली जो परी होती है, ऐसी एक means it's a myth. But what is there? This nymph to the destruction of mankind. ये औरतें ही mankind का destruction का एकमात्र कारण है. But why it is used? उस point को और ज़्यादा clear करने के लिए कि नहीं सिर्फ girls नहीं, लेकिन the attraction of the girl. Because if an angel is there, तो that has too much of attraction. Okay, तो वो attraction को specify करने के लिए यहाँ पर क्या use किया? Nymph. Okay, so in that way, overstatement we can consider to it. Now this is clear. अब एक चीज़ और बता रही हूँ कि मैंने बोला आपको कि एक ही सेंटेंस में कई बार और भी कई सारे फिगर ऑफ स्पीच कंसिडर किए जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो वो डेथ. तो कभी भी अगर हम डेथ के रिलेटेड बात करते हैं तो दैट इज द अनदर फिगर ऑफ स्पीच. विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, बट आई जस्ट नाउ आई कैन जस्ट से यू दैट यूफेमिज्म. ओके, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच भी होता है जो डेथ को और उसको स्पेसिफाई करता है. विल गो टू इट लेटर ऑन. थैंक यू.